हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, जिपमर की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है 2024 में, यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च। दोस्तों, इसमें JEE यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है और सरकारी भर्ती है। क्या कुछ इसमें डिटेल मांगी गई? केवल 12th पास मांगा गया। पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, यानी कि पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, फीस, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, पूरा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि जो आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसका ये फोटो है, यहाँ पर आपको जॉब करनी होगी। ठीक है, चलिए। तो इसमें बेसिकली दोस्तों, इसमें जो मेन पोस्ट है वो है आपकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें और भी अदर वेरियस पोस्ट निकली हुई है, जैसे ग्रुप बी की निकली हुई है और भी ग्रुप सी की पोस्ट निकली है, बट जो आपकी मेन जो पोस्ट है आपकी वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रुप सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत रेपुटेटेड जॉब है, सबसे शानदार जो जॉब है वो ये रहने वाली है। जैसे आपका NBS में JSA होता है, या KBS में जो आपका LDC होता है, या KBS का जो JSA होता है, ठीक है, वो उसकी जो समकक्ष है, ये वही जॉब है, बिल्कुल सेम जॉब है, बस नाम यहाँ पर चेंज इसका कर दिया। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी अप्लाई करने की डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली है, एज क्या मांगी गई है, फीस क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसका, जब आप फॉर्म भरेंगे और फाइनल सिलेक्शन तक, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, टाइपिंग या स्किल टेस्ट में क्या होगा, किस तरीके से होगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाली है, और इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। चलिए देखिए, इससे पहले बता दूं, ये जो आप हमारे नीतेश सर थे, उनका ऑलरेडी इसमें एक्चुअल में सिलेक्शन हो रखा है। जो हमारे नीतेश कुमार सर थे, जैसा कि आपको मालूम है, उन्होंने आपको EMRS के लिए मैथ्स पढ़ाया था, उनका ऑलरेडी इस एग्जाम में सिलेक्शन हो रखा है। ये देख सकते हैं आप, ये उनका जो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है, जो कि 29 अगस्त 2023 को यहाँ पर इनको मिला था, यानी कि यहाँ से गया था और 29 अगस्त को इनके पास आ गया था लगभग। ठीक है, ये इनका इस तरीके से यहाँ पर, ये भारत सरकार सेवार्थ जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जिपमेर, ठीक है, तो इसकी तरफ से इनको अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर दिया गया था। तो पूरा कुछ आपको एक इंटरव्यू में हम रखवा देंगे, जो आपका या वन टू वन क्वेश्चन रखवा देंगे, जो कि आपके नीते सर, ठीक है। चलिए, कुछ इस तरीके से आपके ऑनलाइन पेपर होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा, यहाँ पर पूरा कुछ आगे 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 आपको डिटेल में बताऊंगा। प्रेजेंटली जो हमारे नीते सर हैं, वो NIOS में एज असिस्टेंट लेवल 4 के पद पर यहाँ पर कार्यरत हैं। ये इनका जॉब प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, बहुत ही अच्छे सर, और इनसे मैं आपका इंटरेक्शन करा दूंगा पूरा, है ना। ये इनका जो रैंक आया था, ये आपका जो जिपमेर वाला रैंक है वो देख सकते हैं आप, ये देखें नीतीश कुमार मेघानी यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने हाइड कर दी। रैंक इनकी जो थी वो 31st रैंक थी, सोच सकते हैं 31वां नंबर था इनका रैंक में, और UR कैटेगरी से इनका हुआ था, वैसे EWS से अप्लाई किया था पर UR से इनका हुआ था, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वालिफाइड थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अप्लाई करने की डेट देख लेते हैं कि अप्लाई करने की डेट क्या है। तो दोस्तों, 19 जुलाई से 2024 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, अगर आपने नहीं भरे तो जाके भर दिए। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो रहेगी वो 19 अगस्त रहने वाली है। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होंगे आपके वो 2 सितंबर को होंगे, और जो एग्जाम की डेट है दोस्तों, इसकी सबसे खास बात यही है कि बहुत ही फास्ट तरीके से इसमें सेलेक्शन होता है। मात्र 3 से 4 महीने के अंदर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, कितना, 3 to 4 month में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो बहुत ही शानदार जॉब है, अगर आपको बिल्कुल नीड है कि जॉब चाहिए ही चाहिए और 3 से 4 महीने के अंदर चाहिए, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। जल्दी जाइए, फॉर्म भर दीजिए। एग्जाम की डेट जो रहेगी वो 14 सितंबर रहेगी, यानी कि आज हो चुका है 21 जुलाई, तो देख सकते हैं आपके पास केवल 21 अगस्त और लगभग 60 दिन से भी कम समय बचा है, लगभग 50 दिन के आसपास आपका समय बचा है। तो बिल्कुल टारगेटेड इसकी स्टडी करने में लगेगी, मैं भी आपको इसकी प्रिपरेशन करा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं इसके, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट निकली हुई है दोस्तों। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 24, ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, टोटल UR OBC SC ST EWS, तो आपका जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 24 पोस्ट है। UR की 16 है, OBC की 2 है, SC की 2 है, ST की 3 है, और EWS की 1 पोस्ट है। हालांकि पोस्ट कम है, बट दोस्तों 24 पोस्ट के लिए भी जो कैंडिडेट है इनको नहीं मिल पाते हैं, लास्ट ईयर भी इनकी पोस्ट खाली चली गई थी, और इनको तीन बार जो है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए, DB के लिए बच्चे बुलाने पड़े थे, क्योंकि इसका कट ऑफ काफी कम जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी इजी है, बट इसके जो स्किल टेस्ट होता है वो थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, तो वो आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्किल टेस्ट होता है। कुछ नीतीश सर से खुद आपको अगर बोलेंगे तो मैं उनको लेके आऊंगा, वो बताएंगे कि किस किस तरीके से वहां पर चीजें होती है, स्किल टेस्ट वगैरह क्या सब कुछ वहां पर होता है। ओके, चलिए
एज की बात कर लेते हैं तो दोस्तों एज आपकी 18 से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए और 19 अगस्त 2024 तक ये होनी चाहिए। बाकी आपको अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो फीस वाला है यूआर और ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 रुपये फीस प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस जो भी एप्लीकेबल है लगभग 1550 1600 के आसपास आपकी फीस होगी। ओबीसी के लिए भी सेम है, एससी एसटी के लिए 1200 प्लस जो चार्जेस रहेंगे वो रहेंगे, ठीक है। पीडब्ल्यूडी जो है कैंडिडेट उनको यहाँ पर एग्जेम्पशन दे रखा है। तो दोस्तों फीस काफी ज्यादा है इसलिए कॉम्पिटिशन भी कम होता है, पेपर काफी ईजी आता है, सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके इसकी तैयारी करते हैं तो गारंटी दे रहा हूँ 3 से 4 महीने में आपको ये जॉब मिलने वाली है और एज अ गवर्नमेंट जॉब आप यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर यहाँ पर जॉब ले पाएंगे। ओके बिल्कुल 100% गवर्नमेंट जॉब है, प्योर गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो मात्र दोस्तों आप देख सकते हैं केवल 12th पास यहाँ पर मांगे, क्या मांगे गया दोस्तों, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, है ना, इसको हम बैक कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। देखिए क्या मांगा गया है दोस्तों, इसमें 12th पास केवल आपका मांगा गया है। यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी भी ऑल ओवर इंडिया से चल जाएगी। इसके बाद बात करें टाइपिंग स्पीड, इसमें मांगी गई आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की, ठीक है, कंप्यूटर पर जो टाइपिंग हुई। इसके अलावा आपका एक स्किल टेस्ट भी होता है जिसमें आपका एमएस जो एक्सेल होता है उसमें आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है, टाइपिंग आपका पेपर टू पेपर होता है या पेपर टू स्क्रीन होता है, स्क्रीन टू स्क्रीन होता है, किस तरीके से चीजें होती है, पूरा कुछ डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पे स्केल आप देख सकते हैं 19,900 है, लेवल 2 की जॉब है, 7th का पे कमीशन है, बट ये केवल बेसिक पे है। इसका जो इन हैंड सैलरी है वो भी दिखाऊंगा, सैलरी स्लिप अभी तक की लेटेस्ट सैलरी स्लिप मेरे पास आ चुकी है, पूरा दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैक्सिमम एज मैंने आपको बताई चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में जब आप इसका फॉर्म भर देंगे तो आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा जो कि कब होगा, 14 सितंबर को होगा। इसके बाद डीवी प्लस स्किल टेस्ट होगा, ये कब होगा, Within 2 month, लगभग 50 से 60 डेज के अंदर, ये लास्ट 2023 में जो प्रोसेस चली थी उसके आधार पर बोल रहा हूँ, 50 to 60 यानी नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में आपका ये डीवी स्किल टेस्ट हो जाएगा और जो फाइनल सिलेक्शन यानी कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको दिसंबर के मंथ में या जनवरी के मंथ में या दिसंबर में ही जहाँ तक ये कर देंगे, है ना, जो कि आपका जैसे ही डीवी और स्किल टेस्ट हो जाता है उसके 10 से 15 20 दिन के अंदर within 1 month आपको ये ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि इनको बहुत फास्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर चलता है। एग्जाम जो इसका कंडक्ट कराती है वो TCS कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, धांधली वगैरह का होने का कोई चांस नहीं उठता है इसमें। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस क्या रखा गया दोस्तों देख लेते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कितने मार्क्स पूछेंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रखी गई, मैथ से 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन रहेगा वो 4 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। रीजनिंग की 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स और जीके प्लस करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स। आप इसका जो बिल्कुल जो इसका जो लेवल होता है वो SSC MTS या जो CHSL होता है उसके अकॉर्डिंग मान सकते हैं, बिल्कुल उसी लेवल का आता है, उससे भी लो लेवल का आता है, CHSL से लो रहता है, MTS से थोड़ा अप रहता है, इसके बीच में रहता है, ठीक है। और CHSL में जहां आपका एडवांस मैथ आपको देखने को मिलता है, इसमें किसी भी प्रकार का एडवांस मैथ नहीं देखने को मिलेगा, केवल ओनली अर्थमेटिक आपको आने वाला है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ओनली अर्थमेटिक आने वाला है, ये खुद नीते सर देके आए थे, उनके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, उनका सिलेक्शन आपको मैंने दिखा दिया था, ठीक है। चलिए टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 400 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहेगी, यानी कि इसमें से अगर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं तो 4 का 0.25 अगर निकालेंगे तो आपका एक मार्क्स की रहेगी, है ना, एक मार्क्स की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25% होगा, ठीक है, यहाँ पर मार्क्स की आप परसेंट कर लेंगे, यानी कि एक मार्क की आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, निगेटिव मार्किंग रहने वाली। टाइम आपको टोटल 2 आवर्स यहाँ पर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए अभी इन्होंने फुल सिलेबस जो है आउट नहीं किया हुआ है, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा प्रीवियस ईयर के आधार पर है और सिलेबस भी मेरे पास है 2023 का, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें कि आपका जो सीबीटी होगा उसमें पासिंग मार्क्स क्या रखे गए, मिनिमम पासिंग मार्क्स यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 45 और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ओबीसी के लिए 40%। वहीं आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें आपका मिनिमम 50 50% आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसमें 50 नंबर का होता है जिसमें से 25 25 का, 25 की टाइपिंग होती है, 25 का स्किल टेस्ट होता है, यानी कि 12.5 नंबर आपको इसमें लाना है, 12.5 नंबर इसको इसमें लाना है मिनिमम, केवल क्वालिफाइंग कर गए तो आप पास हो जाएंगे, इसके ऊपर जितने भी लाए आपके मार्क्स। ओके चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देख सकते हैं +4 रहेंगे एक क्वेश्चन के और -1 रहेगा नेगेटिव, यानी 0.25%। ओके चलिए ये दोस्तों इसका डिटेल सिलेबस है जो कि आप देख सकते हैं 2023 के आधार पर मैंने लिया है और इसका भी ऑफिशियल एक दो दिन में आएगा, पर सेम ही रहने वाला, ठीक है। रीजनिंग में ये टॉपिक पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस में ये वाले, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये वाले और जनरल अवेयरनेस में ये वाले टॉपिक्स आपके पूछे जाने वाले, जिसमें करंट अफेयर भी आपका रहने वाला है। ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूँ, टेलीग्राम से आप इसको वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके चलिए ये टेलीग्राम का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या चैनल का नाम है द एग्जाम्पल पर सर्च करके टेलीग्राम पर वहां से ज्वाइन आप इसे कर सकते हैं। ये इसकी बात करें सैलरी क्या मिलेगी आपको इनहैंड, तो आप ऊपर देख सकते हैं अर्निंग, गवर्नमेंट रिकवरीज, नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज और समरी, पूरा इसके पीछे मैंने सैलरी स्लिप ऐड कर दी। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर तरीके से एक सैलरी पर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि क्या सैलरी रहेगी अलग अलग सिटीज में,
क्या चीजें रहने वाली है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों यहां पर। चलिए जॉब प्रोफाइल या जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, काम क्या करना पड़ेगा, कहां पर करना पड़ेगा, क्या प्रेशर रहता है, वो सारी चीज। तो सबसे पहले बात करें काम क्या करना होगा। काम कुछ नहीं है, ऑफिस का वर्क रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब है, प्रशासनिक की जॉब है, यानी कि आपको जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर है ना, या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है आपका उसके अंदर, यहाँ पर देखिए बेसिकली ये मेडिकल से रिलेटेड है और एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जो भी उसके जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जैसे सैलरी वगैरह बनाना, सैलरी वैसे जो अपर होंगे आपके, जो आपका प्रमोशन हो गया जाते हैं वो बनाते हैं, बट आपको भी ये काम दिया जा सकता है। ऑफिशियल वर्क रहेगा, ड्यूटी लगाना, ये सब करना है ना, मतलब बेसिकली जो ऑफिस के वर्क होते हैं, ऑफिशियल जो कंप्यूटर पर वर्क होगा वो आपका यहाँ पर रहने वाला है, डेस्क डेस्क की जॉब रहने वाली है, ठीक है। कहाँ कहाँ काम करना होगा आपको, यहाँ इसकी जो लोकेशन रहेगी, जॉब लोकेशन दोस्तों ये डेफिनेट है, ये निश्चित है, जो कि आपके रहेगी पुडुचेरी, कराईकल, कराईकल बेसिकली पुडुचेरी, और ये कराईकल जो तमिलनाडु के हिस्से हैं, तमिलनाडु में छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, तो वहां पर आपकी जो पोस्टिंग है वो रहने वाली, ठीक है। बेसिकली कहें तो तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहां पर आपको ये जॉब लोकेशन मिलने वाली। हालांकि ये प्रोसेस चल रहा है कि इसके ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग इंस्टीट्यूट खोले जाए, ठीक है। बस मेनली जो इसका रहता है वो पुडुचेरी, कराईकल और तमिलनाडु वाला जो इलाका है वहां पर इसके 3-4 इंस्टीट्यूट बने हुए, तो वहीं पर आपको इसकी जॉब मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा जॉब के बारे में बात। ओके चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। इसके ऊपर मेरी अपकमिंग जो वीडियोस रहेंगी, दैट इज इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जो मैंने आपको दिखाया सैलरी स्लिप है ना, टॉक विद नितेश सर, अगर मोस्ट ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करते हैं कि नितेश सर से हमारी इंटरेक्शन कराइए कि किस तरीके से चीजें होती है, बताऊँ बेस्ट वो क्या रहेंगे। टाइपिंग स्किल टेस्ट में क्या होता है मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, अभी मैंने आपको केवल ये बता दिया कि आपका टाइपिंग होती है, स्किल टेस्ट होता है, बट क्या क्या पूछा जाता है एमएस एक्सेल में, टाइपिंग किस तरीके से होती है पेपर टू पेपर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर हो सकेगा तो मैं आपके लिए बिल्कुल अरेंज करूंगा, कट ऑफ मैं नितेश सर से पूछ के बता दूंगा, क्योंकि उन्होंने दे रखा है और उनके साथ साथ जो उनके मित्र थे उन्होंने भी उनको दे रखा है, ठीक है। तो मैं पूरी जानकारी आपको नीति सर से लेकर पूरी बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मेरे दो चैनल हैं, दैट इज द एग्जाम्पल पर, द एग्जाम्पल पर जीके, और ये दो यूट्यूब चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लें। यहां पर आपको जीके जीएस की प्रिपरेशन कराऊंगा जिपमर की, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसे जो है वीडियो देख लेना, ठीक है। ये मेरा मेन चैनल है जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं, और इसी तरह की और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।